सैमसंग गैलेक्सी A04 फाइनली यहाँ पर अराइव हो चुका है और इस फोन की जो डिज़ाइन है वो रिवील कर दी गई है एंड ऑल थैंक्स टू ऑन लीक्स जो कि हमेशा की तरह ऐसे के माल के डिज़ाइन रिवील करते हैं। स्मार्टफोन का डिज़ाइन जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जो यहाँ पर जो अपर वर्जन होता है वो हर साल जो डाउन वर्जन होता है उसमें शिफ्ट कर देते हैं। ये गैलेक्सी A13 का यहाँ पर रिब्रांडेड वर्जन आप इसको कह सकते हो। डिज़ाइन के मामले में रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया और LED फ्लैश लाइट दिया गया है। स्मार्टफोन एक सेमी बॉक्स डिज़ाइन के साथ आता है जैसे कि आप देख सकते हैं, बट मुझे डिज़ाइन काफ़ी प्यारा लगा, काफ़ी खूबसूरत है। और जो गैलेक्सी A13 5G था ये उसका रिब्रांडेड वर्जन आप इसको कह सकते हो, क्योंकि A13 4G में तो क्वाड कैमरा सेटअप था। और यहाँ पर जो फ्रंट है वहाँ पर अगेन ड्यूल ड्रॉप नॉच ही दिया गया है। बाकी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, पावर ऑन ऑफ कीज़ है, मतलब जो बॉक्स डिज़ाइन है जो कि आजकल एक टॉप क्लास का ट्रेंड जा रहा है उसको अभी तक सैमसंग ने यहाँ पर कॉपी नहीं किया गया, जो कि डेफिनेटली इस ट्रेंड को अडॉप्ट कर देना चाहिए था। फिलहाल स्मार्टफोन में एक कलर रिवील हो चुका है जो ब्लैक कलर है और स्मार्टफोन जो है वो अराउंड आपको 170 ग्राम के साथ मिलेगा। इसके अलावा ये स्मार्टफोन 8.3 mm के साथ आएगा और स्मार्टफोन की जो बिल्ड क्वालिटी वो प्लास्टिक है, फ्रेम भी प्लास्टिक है और बैक साइड भी प्लास्टिक है, लेकिन ग्लॉस फिनिश के साथ आते हैं और सैमसंग के जो प्लास्टिक बैक होते हैं वो थोड़े से सॉलिड होते हैं। बट जो गैलेक्सी A04S होगा वो तो आपको पता है कि यहाँ पर बिल्कुल सस्ता तरीन स्मार्टफोन होता है, तो इसलिए बिल्ड क्वालिटी पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाए। स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा एक 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस फिनिश वाला एक IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा, एक ड्यूल ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले होगा। बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली स्मार्टफोन में अभी भी कोई भी हाई रिफ्रेश रेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक नॉर्मल 60Hz का पैनल आपको देखने को मिलेगा। और स्मार्टफोन का डिस्प्ले एज यूजुअल एक ऑर्डिनरी डिस्प्ले है जैसे कि आप देख सकते हो, बड़े चिन्ह है, बड़ी बेजल्स है, लाइक क्या बताएं अब, ठीक है चिन्ह तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है लेकिन जो बेजल्स है उससे हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है आप उस तरह की चीज़ एक्सपेक्ट मत करो कि गैलेक्सी A04 है तो बस चीज़ें भी नेक्स्ट लेवल कर दी गई होगी, सैमसंग इतना जल्दी चीज़ों को अपग्रेड नहीं करता। स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर बताया जा रहा है वो यहाँ पर एक्जिनोस 850 का प्रोसेसर है जो कि 8 nm की फेब्रिकेशन पर बेस्ड है। अब ये प्रोसेसर गैलेक्सी A13 में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो अब ये गैलेक्सी A04 में शिफ्ट हो चुका है और फिर नेक्स्ट साल ये गैलेक्सी A04 कोर में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हाल होने वाला है। बाकी स्मार्टफोन 4GB RAM 64GB वाले वेरियंट और 4GB RAM 128GB वाले वेरियंट में देखने को मिलेगा। और स्मार्टफोन अच्छी बात है कि फाइनली ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 12 के साथ आएगा और इसके साथ UI 4.1 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गैलेक्सी A04 जिस टाइम पे आएगा उस टाइम पे एंड्रॉयड 13 आ चुका होगा और एंड्रॉयड 14 की बातें होगी, तो इसलिए ये एंड्रॉयड 12 उस टाइम आम बात से होगी, फिर हम बोलेंगे कि एंड्रॉयड 13 के साथ क्यों नहीं आया। स्मार्टफोन की रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, मेन कैमरा यहाँ पर हमें पता है कि 50 MP का होगा और 2 यहाँ पर फालतू के सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, जबकि फ्रंट की बात है तो ड्यूल ड्रॉप नॉच में अगे हमेशा की तरह सिर्फ 8 MP का कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। और ये स्मार्टफोन हमेशा की तरह मैक्सिमम 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्डिंग कर सकेगा फ्रंट कैमरा से भी और रियर कैमरा से भी। बाकी जो कैमरा है उतनी ज़्यादा एक्साइटिंग तो नहीं होगा क्योंकि ये जो स्मार्टफोन काफ़ी सस्ते में आएगा, लाइक अंडर 30 के में आएगा, लेकिन जो अगली इस बार जो चीज़ है वो चेंज की गई है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 25,000 से प्राइस ऊपर जाए, क्योंकि अभी जो गैलेक्सी A03S सीरीज़ है वो यहाँ पर 25,000 से नीचे में आ रहा है, वो गैलेक्सी A04S जो वो 25,000 से ऊपर ही जाएगा। रही बात लॉन्च डेट की, तो ये स्मार्टफोन फिलहाल तो नहीं आएगा, यानी पाकिस्तान में थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जुलाई के एंड में आ सकते हैं या फिर अगस्त में आएगा और पाकिस्तान में सितंबर या अक्टूबर में ये आ सकता है। स्मार्टफोन में बहुत ही एक बड़ी 5 mAh की बैटरी दी गई है और साथ में 15W की फास्ट चार्ज होगी, Type-C कनेक्टिविटी, 3.5 ऑडियो जैक और एक सिंगल स्पीकर हमेशा की तरह देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन देखो इतना एक्साइटिंग नहीं है, मुझे ठीक ठाक लगा है, गुजारे लायक है, उन लोगों के लिए ठीक है जो कि मिड रेंज प्राइस में सैमसंग का स्मार्टफोन बाई करना चाहते हैं, वैसे नहीं जो यूट्यूबर कहते हैं कि माँ बाप के लिए अच्छा है, तो वो सीन यहाँ पर नहीं होगा। बाकी आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।